पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी, उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, जैसा कि पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट ओपन की हुई है, इसका मकसद क्या है बताना ये चाह रहा हूँ। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि जो एग्ज़ाम में रिजल्ट आया है उसमें इम्प्रूवमेंट, ठीक है, और रीचेकिंग में क्या डिफरेंस है। तो सबसे पहले तो आप ये जान लें, जो इम्प्रूवमेंट होगी उसमें ये होगा कि आप ये सेटिस्फाइड हैं इस बात पर कि आपका जो रिज़ल्ट आया है उसमें जिस सब्जेक्ट में जितने मार्क्स हैं वो ठीक आए हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि वो मार्क्स इम्प्रूव करने हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सप्लीमेंट्री के तौर पर दाखिला भिजवाना होगा, ठीक है, और फिर आप एग्ज़ाम देंगे, सही है। तो उसकी बेस पर जो है वो आपका रिज़ल्ट जो है वो फिर दोबारा आएगा। और अगर हाँ, अगर आप इम्प्रूवमेंट के लिए एग्ज़ाम देते हैं सप्लीमेंट्री का और उसमें आपके मार्क्स अच्छे नहीं आते, मिसाल के तौर पर उसमें आपके पहले मार्क्स थे आपके 70, ठीक है, और जब आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं और उसमें आपके मार्क्स आ जाते हैं 60, 65 समथिंग, तो फिर उस बेस पर जो आपके प्रीवियस मार्क्स होंगे वही काउंट कर लिए जाएंगे, ठीक है, सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम को फिर रद्द कर दिया जाएगा। अब वह बात आते हैं कि रीचेकिंग के ऊपर। तो रीचेकिंग ये होती है, आप उसके बारे में पहले जान लें अच्छी तरह से। आपने सबसे पहले आना है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की वेबसाइट पे, और यहाँ पर आपने या तो ये डाउनलोड पे आ जाएं, या नीचे यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर इम्पोर्टेंट लिंक के अंदर डाउनलोड फॉर्म, ठीक है, डाउनलोड्स फॉर्म, इस पर क्लिक करें और आपके सामने ये एक विंडो आ जाएगी। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म्स के अंदर एक ऑप्शन है रीचेकिंग फॉर्म की, इस पर आपने क्लिक करना है, एक फॉर्म ओपन हो जाएगा। ये फॉर्म है पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से है, एक फॉर्म है, ठीक है, जिसमें आपने क्या करना है, एक ये शिक पढ़ लें, ये दरख्वास्त या फॉर्म उम्मीदवार खुद अपने हाथ से पूर्ण करे, जो कि नतीजा की अशात के बाद 25 दिन के अंदर, यानी आपका जब रिज़ल्ट आ जाए तो रिज़ल्ट के शाया होने के 25 दिन के अंदर, ठीक है, यानी अगर कल रिज़ल्ट आया है तो आपने 25 दिन पूरे करने से पहले पहले इसके अंदर अंदर आपने मुकर्रर फ़ीस के साथ, अब इसकी फ़ीस क्या होगी वो भी आपको पूरी मतलब कि तसल्ली करनी पड़ेगी। यहाँ पर ये नीचे पूरा लिखा हुआ है, 900 है। तो यहाँ पर आपने बोर्ड के दफ्तर में आपने पहुँच जाना है ये फॉर्म को फिल करके, ठीक है, अपना नाम लिखना है, वल्दियत लिखनी है, रोल नंबर लिखना है जो करंटली है जिस पर रिज़ल्ट आया है, नाम ऑफ इम्तिहान आपने लिखना है, DI, साल बताना है और इम्तिहानी सेंटर भी बताना है कौन सा है, वो जो आपके रोल नंबर स्लिप पर लिखा होगा, इम्तिहान में कितने नंबर कुल हासिल नंबर वो आपने लिखने हैं, कुल नंबर। अब उसके बाद उस मज़मून का नाम लिखें, बमा कोड जिसमें आपको, जिसमें नंबर आपको जो है इम्प्रूव करवाने हैं, उसके पर्चे के बारे में बताएं कौन सा है, हासिल करदा नंबर कितने हैं, टेक्नोलॉजी क्या है और सेंटर कौन सा था, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखने के बाद नीचे अपने अल्फाज में आपने यहाँ पर तहरीर करना है, इंग्लिश में या उर्दू में, कि आप क्या कह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, ठीक है, जो आप चाह रहे हैं कि इसमें नंबर आपके कम है, ये इस तरह नहीं था, ये गलती वगैरह जो भी है वो यहाँ पे लिखें। उसके बाद यहाँ पर जो है वो फ़ीस लिखनी है आपने, चलान नंबर और तारीख वगैरह, चलान आपको जो है वो जनरेट करना पड़ेगा। आप इसी वेबसाइट पे यहाँ पर आते हैं, जब चलान पे राइट क्लिक करके मैं एक नया टैब ओपन कर लेता हूँ, आपको यहाँ पर चलान जो है वो जनरेट करना है और यहाँ बताना है कि आप रीचेकिंग के लिए फ़ीस कौन सी है, ये DI के लिए और रीचेकिंग के लिए, और यहाँ पर अपना सारा फिल करें, कॉलेज का नेम, एड्रेस कॉलेज का, टेक्नोलॉजी वगैरह, रजिस्ट्रेशन वगैरह, या कॉलेज से रब्ता कर लें, और फिर वहाँ पर ये सारा फीड करके ये चलान आपका जो है वो ऑनलाइन जनरेट होगा, फिर इसको आपने बैंक में जमा करना है और उसी का जो कोड होगा वो आपने यहाँ पर जो है वो चलान और उसकी डेट बतानी है, चलान नंबर, ठीक है, जब जनरेट करेंगे तब आपको एक चलान नंबर मिलेगा और वह सारी चीज़ें, और यहाँ पर आपके सिग्नेचर होंगे उर्दू में और इंग्लिश में, उसके बाद आपका एड्रेस होगा घर का, ठीक है, और फिर ये सारी हदायात को अच्छी तरह से पढ़ें कि क्या क्या चीज़ें आपने साथ अटैच करनी है, ठीक हो गया। 900 रुपीज़ का जो चलान होगा आपका जवाबी कापी के हिसाब से, जो आपने यूनाइटेड बैंक जो यानी कि बोर्ड ऑफिस में मौजूद है वहीं पर आपने जमा करवाना है, ठीक है, फीस एक बार जमा करवा देंगे तो उसकी नाकाबले वापसी, इन्होंने हर चीज़ बता दी है। तो ये सारी चीज़ें, और इसके साथ ही ये देखें, जवाबी कापी की मुकर्रर पड़ताल सिर्फ दर्जा अमूर के तस्दीक के लिए की जाती है, जवाबी कापी के अंदरूनी वो क्या चेक करेंगे, अब ये भी बता रहे हैं वो, कि जब आप अपना रीचेक करवाते हैं पेपर, तो पहले नंबर पे वो कापी के अंदरूनी सफ़ात पर दर्जशुदा नंबर
कापी के सर वर्क पर सही तौर पर मुंतकिल हो गए हैं, बस ये देखेंगे सफ़े ठीक हैं। फिर कापी के सर वर्क पर दर्जशुदा नंबरों की मिज़ान में किसी किस्म की गलती तो नहीं है, कापी में कोई सवाल या किसी का कोई जुज़ बगैर जांचे तो नहीं, मतलब अगर चेक करते हुए कोई सवाल मिस हो गया हो, जो अभी कापियाँ तब्दील तो नहीं की गई ठीक है। उसके बाद किसी सवाल के मुतलिक जुज़ के नंबरों का मिज़ान सवाल के आखिर में दुरुस्त तौर पर किया गया कि नहीं। मैं ये बताना चाह रहा हूँ जब पेपर चेक होगा तो उसमें ये नहीं देखा जाएगा कि आपको दो नंबर मिले हैं इसके चार नंबर बनते थे, ऐसा नहीं होगा। हाँ नंबर लगे हुए होंगे, टोटल चेक किया जाएगा ठीक है। उसके बाद जो अभी कापी चेक की जाएंगी वो आपकी ही है, और फिर ये चेक किया जाएगा कि जो कापी है वो उसके अंदर जो मतलब सफहात हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई गलती तो नहीं, कोई नंबर मिसिंग तो नहीं, मतलब पेपर्स की तरतीब अरेंजमेंट मुकम्मल तौर पर ठीक है। यही सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जिसकी फ़ीस है 900 रुपीज़, जो कि आपने पंजाब बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के जो है ना बैंक में, जो इसी ऑफिस में मतलब इसकी डिपार्टमेंट के अंदर मौजूद है UBL का ठीक है, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड। अब यहाँ पर आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर चुका हूँ, चलान आपने जनरेट करना है, ये आपका फॉर्म आपने प्रिंट निकालना है, इसी चलान को आपने फीड करें, खुद करें या अपने इंस्टीट्यूट से करवाएं, और फिर वही चलान का जो है नंबर वगैरह हर चीज़ आपने ये अपने हाथ से फील करना है, और फिर आपने खुद जाकर बमा चलान और इसको आपने मतलब बोर्ड में जाकर जमा करवाना है ठीक है। तो ये प्रोसीजर होता है। अब एक बार फिर से जान लें, जो स्टूडेंट इस किस्म की मतलब के परेशानी में है कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, जो इम्प्रूवमेंट होती है ना बेसिकली वो सप्लीमेंट्री है, मतलब इम्प्रूवमेंट में आपको ये यकीन होता है कि मैंने जो है ना 50 नंबर लिए हैं उसमें आपको ये डाउट नहीं होता यार ये नंबर गलत आए हैं, उसमें आपको ये डाउट होता है यार 50 नहीं मेरे 70 होने चाहिए थे या मेरे 80 होने चाहिए थे। तो फिर आप इम्प्रूवमेंट के लिए सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं। और अगर आप चाहते हैं रीचेकिंग, क्यों नहीं होती रीचेकिंग, होती है रीचेकिंग, और वो भी 28 डेज़ में, एक मंथ के अंदर अंदर, ये जो डेट दी गई है एक मंथ में यानी 28 डेज़ में आपने यही रूल फॉलो करना है, जो रिज़ल्ट आया है उसके बेस पर आपने चलान और ये सारा फॉर्म फिल करके बोर्ड ऑफिस में 28 दिन के अंदर मुकर्रर फीस के साथ बोर्ड के दफ्तर में पहुंच जाना है ठीक है। तो ये आपका एक दूसरा तरीका ये है, दो मेथड हैं जिन लोगों के जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम के अंदर मार्क्स में इशू लग रहा है उनको, जिनको लगता है कि नंबर कम आए हैं और नंबर ज़्यादा करना चाह रहा हूँ, तो वो फिर सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे, और जो चाहते हैं कि उनके नंबर गलत आए हैं मार्क्स ठीक होने चाहिए थे तो वो रीचेकिंग करवा सकते हैं। लेकिन रीचेकिंग में जो मैंने आपको चीज़ बता दी है, ये शिकें आपके सामने हैं, यही चीज़ चेक होगी, इसके अलावा बोर्ड ऑफिस में कोई भी चीज़ चेक नहीं की जाएगी। या आप ये कहें कि पेपर में जी ये सवाल दो नंबर का है, आपने इसके एक नंबर क्यों दिया, डेढ़ बनते हैं, ऐसा नहीं होगा, वो ये चीज़ें चेक नहीं करेंगे ठीक है। तो ये लिखा भी हुआ है मुमतहन जो होता है उसके जांचते हुए सवालात किसी सूरत में दोबारा जांचे नहीं जा सकते ठीक है, दोबारा नहीं जांचे जाएंगे जो सवाल भी होंगे। ये चीज़ें आपको अच्छी तरह से जो है वो समझ लेनी है। और उसके बाद अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देंगे तो आपका जो है उस रिज़ल्ट कार्ड पर सेकेंड एनुअल ठीक है लिखा हुआ आ जाएगा, लेकिन अगर आप रीचेक करवाते हैं तो उसमें फर्स्ट एनुअल ही रहेगा, क्योंकि उस वक़्त गलती जो है वो आपकी तरफ से नहीं पाई जाएगी, बाय मिस्टेक आपके एग्ज़ाम की चेकिंग में गलती आई अगर मिसाल के तौर पर ठीक है। तो इस बेस पर जो है अगर आप सप्लीमेंट्री का एग्ज़ाम देते हैं और नंबर इंप्रूव करवा लेते हैं तो आपके रिज़ल्ट कार्ड के ऊपर सेकेंड एनुअल लिखा आएगा, लेकिन जो थर्ड ईयर का जो आपकी जो सनद होगी उस पर फर्स्ट एनुअल ही रहेगा, क्योंकि आप इम्प्रूवमेंट के लिए जो है ना आपने एग्ज़ाम दिया है और वो प्रिंट आउट का असल में सारा सीन होता है ठीक है ना। तो ये कोशिश करनी है आपने कि थर्ड ईयर को आपने फर्स्ट हैंड अटैम्प्ट करना है, ताकि आपके सनत के ऊपर सेकंड एनुअल ना लिखा आए, और वो बाकी को भी आपने कंप्लीट करना है। एक साल के अंदर अंदर सनत आपकी जो है वो आपके जो अदारा होता है जहाँ पे आप स्टडी कर रहे होते हैं वहाँ पर आ जाती होती है ठीक है ना। तो कोशिश करें सप्ली ना लाएँ, और अगर आ जाती है तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें, मतलब आप सप्ली को जल्द अज़ जल्द क्लियर करें ठीक है। तो स्टूडेंट्स ये सारे का सारा मुद्दा है जो मैं आपके सामने बयान किया, जिसमें आज हम दो टॉपिक्स पर बात कर रहे थे, एक टॉपिक है इम्प्रूवमेंट का, दूसरा है आपका रीचेकिंग का। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी किस्म की प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट्स करें ताकि आपको मैं उसके हवाले से बता दूँ। और ये चीज़ आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, रीचेकिंग के लिए आपको फॉर्म कहाँ से मिलेगा। हाँ इसके अलावा जैसे ही आपकी सप्लीमेंट्री के एग्ज़ाम की डेट आएगी इंशाल्लाह वो आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि स्टूडेंट्स आपको इस वीडियो से काफ़ी
मालूमात हासिल हुई होगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहें। आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, एक नई नोटिफिकेशन के साथ, एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।